सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उससे बात कर लेना। दूसरों की सुनी गई बातें अक्सर अफवाह होती है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। आज का पंचांग 24 जनवरी 2021 दिन रविवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 10:58 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:43 से 6:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मेष राशि 24 जनवरी 2021 दिन रविवार, आपको कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार ना होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत भी पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरों, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। यह सौभाग्य है जब आप खुले विचारों और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। करियर में बदलाव भी संभव है। आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की है। ऐसी चीजें ना खरीदे जिनकी जरूरत ना हो। भौतिक सुरक्षा को लेकर अधिक भावुक रहेंगे। अगर आप उन बातों या परियोजनाओं की वजह से परेशान हैं जो आपके वश में नहीं है तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। आज कोई लाभदायक यात्रा संपन्न हो सकती है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण घर पर तो समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण काम निपटाने में सफल होंगे। कोई भूमि संबंधित लाभ भी होने के योग बन रहे हैं। घर से संबंधित बातों पर आज अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने के कारण आपकी उनके प्रति नाराजगी बढ़ सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर बदलाव ना आने दें। काम से संबंधित बातों की वजह से यात्रा के अवसर मिलेंगी। पार्टनर और परिवार के बीच में बढ़ता मतभेद आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। पैर दर्द और बदन दर्द तकलीफ दे सकती है, ध्यान रखें। अभी बनने वाले संबंध आगे जाकर लाभ दे सकते हैं। विदेशी स्रोत से लाभ हो सकता है। मानसिक तनाव के मोर्चों पर राहत महसूस करेंगे। धन के अटकाव का मामला निपट सकता है। कामकाज से संबंधित उलझने बढ़ सकती है। दिमागी उठापटक पर पूरा काबू रखें। सावधानियां, वैध की गतिविधियों में बहुत अधिक धन संबंधित नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि पारिवारिक सदस्य उनका विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। साथी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है और आप उसकी इस भावना की कद्र करते हैं। प्यार में कुछ गुदगुदाते हुए पल चाहिए तो साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा से बढ़कर और क्या हो सकता है। अपने शिक्षक या ट्रेनर के साथ अनबन होगी। आपको अगर कोई
सलाह या लेक्चर देता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है, अन्यथा आजकल किसी के भी पास दूसरे के लिए समय नहीं है। आपके साथी को आपकी फिक्र है और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रही। आप उनके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सके तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आपको छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अतः सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव ना पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसे कि अपने वादा करते वक्त कहा था। आपके शिक्षक या मेंटर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अच्छे भाग्य के साथ साथ अच्छे लोग भी आपके पास हैं। करियर में आए बदलाव से आप प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा, आपकी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहें। अच्छा, आपका झुकाव वित्तीय मामलों की तरफ अधिक रहेगा। फालतू का खर्च करने या निवेश करने से बचें। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले लोगों की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार ही अपनी नीतियों की योजना बनाएं। व्यवसायिक स्थल पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय बाहरी गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत होगा। काम को लेकर की गई कोई महत्वपूर्ण यात्रा फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है। आप में बेहतरीन प्रशिक्षक होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा तो अब इस बारे में सोचने का सही समय है। आज का उपाय। आज अब बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।